हेलो फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ के मोशन चैप्टर का आज मेरा तीसरा लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ऑलरेडी मोशन चैप्टर के ऊपर पहला दो लेक्चर ले लिया है, उन दो लेक्चर्स के वीडियो को पहले आप देखिए, उनको समझिए एंड देन कम बैक टू दी थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुल मिला के चार कॉन्सेप्ट हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। उससे भी पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज अ क्वांटिटी, क्योंकि जब तक आप क्वांटिटी नहीं समझेंगे तो आप स्केलर वेक्टर क्या होता है ये कैसे समझेंगे। तो क्वांटिटी समझेंगे, क्वांटिटी के बाद स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक सेकंड चीज आज के लेक्चर में हम समझेंगे। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको भी समझेंगे। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। और आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा वो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, कब हम स्पीड कहते हैं कब हम वेलोसिटी कहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, या दोनों सेम है सिर्फ नाम अलग है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं कोई नई वीडियो डालूं और उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से ना समझकर मैं व्हाट इज क्वांटिटी से समझता हूं। क्वांटिटी क्या है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए। अगर मान लीजिए मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं तो मुझे लेंथ मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए। अगर मैं वेट मेजर कर रहा हूं तो मुझे वेट मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए। अगर मैं टाइम मेजर कर रहा हूं तो टाइम मेजर करने के लिए मुझे यूनिट चाहिए। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनको हमें मेजर करना होता है, उनके लिए हम कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है। तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलकर एक क्वांटिटी बनाती है। क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं, क्वांटिटी दो ही टाइप का होता है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कुल सात होते हैं और डिटेल में इसके बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, जहां पर आप देखिएगा कि कितने तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। वैसे सिर्फ नाम मैं आपको बता देता हूं सातों के, मैं इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक बार आपको नाम बता देता हूं। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कुल सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज आप देखते हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे डिराइव्ड है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, पावर है, वर्क है, फोर्स है, ये सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। तो क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, अगर ये समझ में आ गया हो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा नहीं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखिएगा स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, स्पीड 5 meter per second अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 meter per second, आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 5 meter per second से चल रहा है। 10 meter distance, 10 मीटर का डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल किया है। 10 मीटर का डिस्टेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ उसने ये बताया है कि एक बॉडी है जो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने ये नहीं बताया कि किस दिशा में ट्रेवल किया है। उसने ये भी, ये स्पीड वाले एग्जांपल में उसने ये भी नहीं बताया कि 5 meter per second से किस डायरेक्शन में गया। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड
बट नो पर्टिकुलर डिरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसके कुछ एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस इसका एग्जांपल होता है, स्पीड इसका एग्जांपल होता है, टेम्परेचर इसका एग्जांपल है। टेम्परेचर में आप ये कभी नहीं कहते कि 100 डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट डिरेक्शन, आप टेम्परेचर को कभी भी डिरेक्शन से नहीं डिनोट करते हैं। मास इसका एग्जांपल हो सकता है, मास किसी भी आदमी का 5 केजी होगा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि 5 केजी मास इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 केजी मास इन वेस्ट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट मास होता तो सब लोग वहां जाना चाहते जहां पर आदमी का मास कम रहे, सो दैट कि हम हल्का रहे, हल्के रहेंगे तो हम दौड़ भाग करके काम ज्यादा कर पाएंगे। तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी अगर आपको समझ में आ गई हो तो वी आर मूविंग अपॉन टू द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास वेलोसिटी, जिसके पास डायरेक्शन भी है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, या मैं बोलूं मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। सेम स्पीड, अगर 5 मीटर पर सेकंड को ऐसे ना बोलकर मैं ऐसे बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, यहां पे लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन जैसे ही लगा दिया, ईस्ट डायरेक्शन लगाने का क्या मतलब होता है? ईस्ट डायरेक्शन लगाने का मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर आपने क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, और जैसे ही डायरेक्शन दिया ये स्पीड से किस में कन्वर्ट हो गई, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। अगर यही मैं बोलूं 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, अब जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में डायरेक्शन दे दिया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, बाकी कोई डिफरेंस आपको समझ में आया नहीं आया? एक डिफरेंस तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन है अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट हैज एनी डायरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो होप कि आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है वो समझ में आ गई और क्वांटिटी क्या है वो भी समझ में आ गया। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं ये सारा कांसेप्ट आपको क्लियर। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं अभी इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि व्हाट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हम कहते हैं किसको। अब देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, बाद में विल राइट द डेफिनेशन। एक बॉडी है जो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट से फिर टर्न होकर वो कहां गया, सी पॉइंट तक गया है। सपोज दिस इज द डिस्टेंस उसने जो एक रास्ते पर वो ट्रैवल कर गया। सपोज ये आप हैं, दिस इज राम एंड ये आपका स्कूल है जहां पर आपको जाना है। दिस इज 10 किलोमीटर्स, दिस इज 5 किलोमीटर्स and this is again 7 kilometers। अब मेरे से अगर ये कोई ये पूछे कि बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है from A to reaching the school, तो राम ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राम इज इक्वल टू लेंथ, सम ऑफ ऑल द लेंथ, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय राम। अब क्या क्या उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेंथ ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 5 किलोमीटर एंड देन 7 किलोमीटर, और जब उसको टोटल करोगे मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर आया। तो ये 22 किलोमीटर कैसे आया, हमने क्या किया, जितने भी एक्चुअल लेंथ थे जिस पर राम ट्रैवल किया था उसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन ऐसे बनता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ
एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट पाथ ही हो सकता है वो कुछ इस तरह का कर्वीलिनियर पाथ भी हो। अगर कर्व्ड पाथ भी होगा तो सपोज ये 12 किलोमीटर है, ये सपोज करिए 7 किलोमीटर है, ये सपोज करिए 10 किलोमीटर है। अगर आप इसे भी जोड़ेंगे तो इस कर्व्ड पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 12 प्लस 7 प्लस 10, ये 29 किलोमीटर आएगा। तो आप एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं वो आपका जो नेट लेंथ आपने ट्रैवल किया है उसको जब हम सम कर देते हैं दैट बिकम्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट एंड इज द समेशन ऑफ, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए द टोटल सम ऑफ, द टोटल सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज, अब इसको भी एग्जांपल लगा देते हैं। सपोज दिस इज ए पॉइंट और ए पॉइंट से बॉडी गई बी पॉइंट को एंड देन इट हैज गॉन टू सी पॉइंट। इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया सपोज करो 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया सपोज करो 3 किलोमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। मैं वापस इनिशियल पोजिशन पे राम को डाल रहा हूँ और सी पर किसको डाल रहा हूँ, स्कूल को डाल रहा हूँ। तो राम ने क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम रीचिंग हिज होम टू स्कूल। अगर मैं ये मानूं कि ए पॉइंट पे उसका घर था और सी पॉइंट पे उसका स्कूल है तो ए से सी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ राम के द्वारा, डिस्टेंस कितना हुआ, ये आप आसानी से कैलकुलेट करते हैं। आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर, इसको जब आप जोड़ेंगे इट बिकम्स 7 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने से पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बन जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। The shortest path traveled by a body from initial position to final position is known as displacement. Well, इसका definition को लिखते हैं। The shortest path traveled by a body from initial position to final position is known as displacement। तो ये इसका definition हो गया कि displacement is the shortest path traveled by a body from its initial position to the final position। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, suppose करिए टाटा to रांची, ये एक distance है। रांची वो शहर जहां पर धोनी जहां को belong करते हैं, जमशेदपुर वो शहर जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो जमशेदपुर या टाटा से रांची की जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर बाय रोड। रोड से अगर आप जाते हैं सारे रास्ते में ऐसा घूमते और बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए तो वो 120 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि मैं सीधे अपने घर से हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ू और वहां से सीधे रांची जाऊं और धोनी के छत पे लैंड कर जाऊं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। एरियल डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस जो इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़े दैट डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो एक लाइन मुझे ऐसी खींचनी चाहिए जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे। दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता दूं कि ये 5 किलोमीटर होगा,
दिस इज 4 दिस इज 3 एंड 4 5 3 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट तो एसी डिस्टेंस कितना होगा 5 किलोमीटर एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहां पे मेरा जो आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर कैसे आया वो आया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25 और रूट 25 क्या होता है 5 किलोमीटर होगा तो ये जो आपका ट्रैवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया दैट इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होता है मीटर या किलोमीटर ये इसका ऐसा यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर ठीक है आप ये इसका ऐसा यूनिट है मीटर किलोमीटर्स में भी हम कई बार डिनोट करते हैं कई बार सेंटीमीटर्स में भी करते हैं पर ऐसा यूनिट इज मीटर होगी ठीक है अब हमने एक बार डिस्टेंस समझ लिया एक बार डिस्प्लेसमेंट समझ लिया मुझे अब ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो मैं डिफरेंस लिख कर नहीं समझा रहा हूं मैं सिर्फ आपको वर्बली समझाता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहला पॉइंट देखिए चार डिफरेंस लिखना है आपको सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे डिस्टेंस साइड पर वो डिस्टेंस का डेफिनेशन होगा और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन तो डिस्टेंस के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट साइड पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी आप लिखोगे तो वहां पे आप क्या डालोगे एक डायरेक्शन भी डालेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ये जो डायरेक्शन है वो क्या है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है तो आप जब लिखोगे डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर तो यहां पे क्या लिखना होगा 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट या मैं लिखूंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप क्या लिखोगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा साउथ ईस्ट ही कहलाएगा दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है तो डायरेक्शन में लिखना बहुत जरूरी है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो ये एक वेक्टर ये एक स्केलर क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सेकंड डेफिनेशन हो गया सेकंड डिफरेंस हो गया थर्ड डिफरेंस एक डिस्टेंस जो है वो या तो जीरो हो सकता है नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है आप माइनस 3 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सकते यू कैन नॉट ट्रैवल माइनस 3 किलोमीटर आप जीरो ट्रैवल कर सकते हैं मैं घर से नहीं निकला लॉकडाउन में हम लोग सब घर में बंद हैं हम लोग घर से बाहर नहीं निकले जीरो किलोमीटर और हम लोग किसी बहुत जरूरी काम से घर से निकलकर बाजार तक गए तो कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ये तीनों हो सकता है अब पॉजिटिव कैसे होगा क्लियर 5 किलोमीटर नेगेटिव और जीरो का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी होगा जब एक भाई साहब यहां से निकले बी को पहुंचे 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर बी से चल के वापस कहां पहुंच गए ए को तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछूं एग्जांपल ले लीजिए अगर मैं डिस्टेंस पूछूं इस केस में ए से बी और फिर बी से ए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया तो टोटल डिस्टेंस इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन यहां तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो फिर वो तो मूवमेंट ही नहीं हुआ और मूवमेंट नहीं हुआ इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है एक और एग्जांपल लेते हैं अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है ए पॉइंट से चला और वापस से फिर कहां पहुंच गया ए पॉइंट को पहुंच गया डिस्टेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिस्प्लेसमेंट जीरो जहां से चला वहीं पे वापस पहुंच गया तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है हो सकता है उसने डिस्टेंस बहुत ट्रैवल किया पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आप घर से निकले सारा बाजार घूम के वापस घर पहुंच गए आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर कोई डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हुआ क्योंकि जहां थे वहीं पहुंच गए नो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अब नेगेटिव को एक एग्जांपल से देखते हैं सपोज एक बॉडी है वो ए से स्टार्ट किया बी को गया और बी से वापस चलकर
सी तक है, ठीक है। ए बॉडी यहां से जाके यहां आया और यहां तक आया, ये 7 किलोमीटर था, ये भी 7 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। बॉडी नेट कितना ट्रैवल किया, अगर मैं से कोई डिस्टेंस पूछता है तो मेरा आंसर क्या होगा, 7 + 7 = 14, 14 + 5 = 19 किलोमीटर। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा तो मैं डिस्टेंस क्या बताऊंगा, 19 किलोमीटर। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट होता है, यहां पे स्ट्रेट लाइन ही दिया हुआ है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर का। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज जिस दिशा में आप ओरिजिनल स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किए थे उसके एग्जैक्टली अपोजिट, पीछे दिशा में। आप जब चल रहे थे तो यू आर इन ईस्ट, नाउ यू आर इन वेस्ट, ए टू सी इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन। चूंकि आप पीछे जा चुके हैं तो उसको दिखाएंगे 5 किलोमीटर इन वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, -5 किलोमीटर। ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया था और जहां अभी आप हैं उसके बीच में एक नेगेटिव साइन है, मतलब आप टर्न करके पीछे की ओर 5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं एक्स्ट्रा। तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपने 3-3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें मेंशन करना जरूरी है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं मेंशन करेंगे तो आपने एग्जैक्ट आधा इंफॉर्मेशन दिया है या आपने डिस्टेंस लिख दिया है, ठीक है। तो चार पॉइंट मैंने आपको समझाया, चारों समझ में आ गया होगा, पहला डेफिनेशन, दूसरा स्केलर वेक्टर, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के बारे में, और लास्ट वाला कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म वर्ड सुन के भी हमें समझ में आ रहा है कि समथिंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सब एक जैसा है। यूनिफॉर्म मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स equal distance in equal interval of time in a straight line is known as uniform motion. Uniform motion का मतलब एक body जब equal distance travel करे equal interval of time में, then that type of motion is known as uniform motion. अब इसको एक photo से देखते हैं, एक diagram से देखते हैं। एक body A है जो B तक travel कर रहा है, A से B travel करने के क्रम में उसने एक straight line पर travel किया है। Every 10 meter is being traveled. Every 10 meter is being traveled in 5 seconds. Every 10 meter is being traveled in 5 seconds. तो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम ए बी, ये मैं सी डी ई ले देता हूं, तो मैं ए सी क्या लिखूंगा, ए सी इज 10 meters covered in 5 seconds. सी डी क्या लिखूंगा, 10 meters covered in 5 seconds. DE क्या लिखूंगा, 10 meters covered in 5 seconds. And ED क्या लिखूंगा, 10 meters covered in 5 seconds. Equal distance traveled in equal interval of time. यूनिफॉर्म मोशन का इससे आसान अंडरस्टैंडिंग कुछ हो ही नहीं सकता है कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इक्वल दूरी कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन, या अ मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन If it travels equal distance in equal interval of time, done. और ये example अगर आप दे देते हैं, एक random example, एक hypothetical example, तो आप आसानी से ये वाला अगर question आपको पूछा जाए तो आप उसमें full marks ला सकते हैं। समझाना सिर्फ यही है कि AC एक distance है जिसमें 10 meter travel किया गया है 5 second में, CD एक distance है जिसको 10 meter travel किया है 5 seconds में, ED 10 meter in 5 seconds and this 10 meter in 5 seconds.
equal distance traveled in equal interval of time. Such type of motion is known as uniform motion. Uniform motion का unit क्या होता है, कैसे उसको उसके unit को हम लोग define करते हैं, वो हम लोग speed वाले concept में देखेंगे, जो कि हमारा अगला concept. एक बार हमें uniform motion क्या होता है ये अगर समझ में आ गया है, then we'll move on to the next concept, that is non-uniform motion. अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले तो उसके डेफिनेशन को समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अ मोशन इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, ये एक बॉडी है जो ए से लेकर बी तक ट्रैवल कर रही है. अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बीच में कई सारे स्टॉपेज आ सकते हैं. अब ये कई सारे स्टॉपेज में देखिए, यहां सी बना रहा हूं, दिस इज डी, दिस इज ई, और इसके बीच का डिस्टेंस है. अब ये कह रहा है कि पहला डिस्टेंस 10 मीटर का था, दूसरा वाला 15 मीटर का है, तीसरा वाला 5 मीटर का है, और लास्ट वाला 20 मीटर का है. अभी ये उसके कितने सेकंड में ट्रैवल किया उसने, 5 सेकंड में. ये भी कितने में ट्रैवल किया, 5 सेकंड में. दिस इज आल्सो 5 सेकंड एंड दिस इज आल्सो 5 सेकंड. अब मुझे एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो बस ड्राइवर है, जिस बस में हम बैठे हुए हैं, वो कभी गाड़ी को काफी तेज चला रहा है, क्योंकि 5 सेकंड में पहले टाइम पहला जो यूनिट था या पहला स्टॉपेज मानते हैं उसे, उसमें उसने सिर्फ 10 मीटर ट्रैवल किया, पर दूसरा वाला जो 5 सेकंड था उसमें उसने 15 ट्रैवल कर लिया, यानी गाड़ी उसने थोड़ी तेज चलाई है. तीसरा वाला था उसमें उसने ब्रेक करके चला, हो सकता है रोड खराब होगा इसलिए उसने धीरे धीरे चलाया है, इसलिए 5 मीटर ही ट्रैवल कर पाया वो 5 सेकंड में. और लास्ट वाले में काफी अच्छा रोड रहा होगा, एनएच पर गाड़ी चल रही होगी, तो 20 मीटर उसने ट्रैवल किया है मात्र 5 सेकंड में. तो डेफिनेशन क्या कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, यानी जो इंटरवल आप ले रहे हैं उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो डिवेरी कर सकता है. जैसे मैं अगर ये लिखूं तो एसी में उसने कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर से 5 सेकंड्स. अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी में कितना हुआ, 15 मीटर इन 5 सेकंड्स. अगर मैं डीई की बात करूं तो वो कितना है, 5 मीटर इन 5 सेकंड्स. और लास्ट पार्ट में जो कि मेरा ईबी पार्ट है उसमें कितना उसने ट्रैवल किया, 20 मीटर इन 5 सेकंड्स. अब according to definition, unequal distance is being travelled. देख रहे हैं, 10, 15, 5, 20, unequal distance is travelled in equal interval of time. 5 second ही है, लेकिन distance जो है वो अलग-अलग travel किया गया है. Unequal distance travelled in equal interval of time, such type of motion is known as uniform motion. Hope कि uniform motion क्या होता है, non-uniform motion क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया है. अगर ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया है तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट से ही स्पीड और वेलोसिटी समझा जा सकता है. होप कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को. अगर नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए. बहुत बहुत धन्यवाद. We'll be right back.